इस स्वार्थी संसार में हर इंसान की जीने की कोई ना कोई वजह होती है, पर जब जीने की कोई वजह ही ना हो तो जिंदा लाश बनकर दूसरों के कंधों पर असवर होने से अच्छा है खुद को इस जीवन से मुक्त कर दो। इसलिए आज मैं इस बेमकसद जीवन से खुद को मुक्त करने जा रही हूं। जब मेरी प्यारी पत्नी स्वेटर बुन रही थी तब आया। पर क्या फायदा विजय, जिसके लिए मैं ये स्वेटर बुन रही थी उसे तो हम कब का खो चुके। मॉन गायत्री, फिर वही बात गायत्री, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक हादसा। हादसों से जिंदगी नहीं रुकती बाबा। देखो तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे तो पूरा पूरा यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हारी इसी गोद में एक नन्ना मुन्ना बच्चा होगा और तुम यही स्वेटर उसे पहनाओगी। अब होने के बाद में क्या पछताना। ये तो पहले सोचना चाहिए था, पहले से ही अपना ख्याल रखती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। क्या हो गया आपको? वो बेचारी पहले कम परेशान है क्या, जो ताने मार मार के उसे और परेशान कर रही हैं आप? मां कितनी बार आपसे कहा मैंने, कितनी बार कि वो एक एक्सीडेंट था। मां अगर मिसकैरेज हो गया तो उसमें बेचारी गायत्री की क्या गलती है, और ये किसी भी औरत के साथ हो सकता है। और उस बेचारी को छोड़िए मां, मेरे बारे में सोचिए। डॉक्टर होने के बावजूद मां मैं अपने ही बच्चे को बचा नहीं पाया। मुझे नहीं पता, तुम मानो या ना मानो गलती उसी की थी। प्लीज प्लीज मां प्लीज। एनीवेज मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है, नीचे ड्राइवर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा है, वही आपको एयरपोर्ट छोड़ देगा। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब, अब तो ये डिसाइड हो ही गया कि मेरी वाइफ की डिलीवरी सीजरीन होनी है, तो हम चाह रहे हैं कि डिलीवरी की डेट और टाइम हमारे गुरुजी के हिसाब से तय हो तो बेहतर होगा। देखिए हर बच्चा अपनी किस्मत खुद लेके आता है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मेरे गुरुजी पर अटूट विश्वास है। हाँ ठीक है, एक काम करिए, अपने गुरुजी से टाइम डेट ये सब निकलवा के डॉक्टर पायल को बता दीजिएगा। और हाँ पायल, मिसेज मल्होत्रा की कंडीशन के बारे में मुझे अपडेट करती रहे। ओके सर। आइए मैं आपको बाहर पे छोड़ देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर क्या आप भी इन सारी बातों पे विश्वास रखते हैं? कम ऑन पायल, बिल्कुल नहीं, मैं इन धक्यानुसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। एक बात और सर, सर अगर हमने जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चे की जान को खतरा है। पायल एक काम करो, मल्होत्रा जी को फोन करो, उन्हें इस सिजेरियन से होने वाले रिस्क और ऑपरेशन के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उसके बारे में सब कुछ क्लियरली बता दो। उसके बाद भी अगर वो सिजेरियन करवाने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो हमारे क्लाइंट हैं, बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स टू अस। अब बेटा राजेश जरा दीपक जलाओ। जी पंडित जी।
जल जाना चाहिए था। पर पंडित जी, दिया जल क्यों नहीं रहा है? हमें लगता है कि पूजा स्वीकार नहीं हो रही। बरसी की पूजा मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए होती है, और दिए का इस तरह बार बार ना जलना शुभ संकेत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं पंडित जी आप? अरे बेटा, बत्ती गीली होगी, अगर दिया नहीं भी जल रहा है ना तो कोई बात नहीं, आकर बैठ जा। चल ऐसे ही पूजा शुरू करते हैं, और पंडित जी आप पूजा शुरू करो। अरे देखिए जजमान जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात जान लो, ये जो आत्मा है ना, इसकी कोई इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अब आप ये सब छोड़िए और बिना दिए की ही पूजा शुरू कीजिए प्लीज। आप लोग पूजा जारी रखिए, मैं देख के आता हूं। मां, आग आग लगी, पूजा आग लगी, जल्दी। अरे जजमान जी, माता की चुन्नी का जलना आपसे कौन होता है? क्या किया आपने? हो एक्सक्यूज मी सर, आपको किससे मिलना है? मिस्टर मेहता से। क्या आपको उनका रूम नंबर पता है? मुझे सब पता है, मिस्टर मेहता का रूम नंबर है 1002। अपना फोन उठाइए, आपके पति का फोन है। आप यहां? मैंने अभी यहां किसी लेडी को आते हुए देखा है। लेडी? पर यहां तो कोई लेडी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मैंने खुद अभी यहां किसी को आते हुए देखा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पायल, कौन है ये? सर, ये कह रहे कि इन्होंने किसी लेडी को यहां पे आते हुए देखा है, और उसके पीछे पीछे ये भी आ गए। डॉक्टर, मैं कौशल सिन्हा, इस हॉस्पिटल में मैं अपने दोस्त मिस्टर मेहता से मिलने आया हूँ। वो तो ठीक है मिस्टर सिन्हा, लेकिन ये एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में विजिटर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आई एम अफ्रेड सभी के लिए बराबर हैं। डॉक्टर, आप मुझे बता सकते हैं कि इस रूम में क्या होता है? ओके, ये एक सोनोग्राफी रूम है,
वो जो इक्विपमेंट आपके सामने है वो सोनोग्राफी का इक्विपमेंट है जिनसे हम पेशेंट्स की इंटरनल स्कैनिंग करते हैं, और हाँ कभी कभार इसी रूम में कुछ माइनर गायनेक ऑपरेशंस भी होते हैं। लेकिन मिस्टर सिन्हा, मैं कब से देख रहा हूं कि आप बार बार इस कमरे को देखे जा रहे हैं, फिर कुछ सोच रहे हैं, परेशान हैं। क्या मैं जान सकता हूं इस रूम को देखकर आखिर आप सोच क्या रहे हैं? डॉक्टर, यहां कोई मौत हुई है? कोई अनहोनी घटना? ये एक हॉस्पिटल है मिस्टर सिन्हा, और डॉक्टर्स होने के नाते हम डॉक्टर्स का हर रोज जिंदगी और मौत से आमना सामना होता रहता है। मोस्टली वी आर सक्सेसफुल, लेकिन हाँ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाते। डॉक्टर पालन, जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन इस कमरे में जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। एक ऐसा हादसा जो इस कमरे की दीवारों में रहस्य बनकर छुपा हुआ है। डॉक्टर पालन, इस कमरे में जो कुछ भी हुआ है उसे मैं महसूस कर सकता हूं। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन शायद आप इसे मुझसे बेहतर जानते होंगे। सॉरी डॉक्टर, आई लीव। चलो। पायल। क्या देख रही हो? कुछ नहीं है, चलो काम करना है। यस सर। पायल, पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करने से पहले मुझे उसका ब्लड प्रोफाइल, शुगर, बीपी सब कुछ चाहिए। ओके। वन सेकेंड। हाँ गायत्री। विजय, मैंने घर पर होम प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। हाँ तो? विजय, इट्स पॉजिटिव। व्हाट? ओह गायत्री, दैट्स सच अ वंडरफुल न्यूज। प्लीज घर आ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। गायत्री, देयर इज एन इमरजेंसी, मैं ऑपरेशन थिएटर ही जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल चली आओ, मैं डॉक्टर पायल से कह के तुम्हारा सारा चेकअप करवा देता हूँ। विजय, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम ही मेरा चेकअप करना प्लीज। अरे गायत्री, डोंट वरी बाबा, सब ठीक होगा। तुम देखना गायत्री, अब हमारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। एंड वन मोर थिंग, आई लव यू। बाय सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू पायल, थैंक यू सो मच। अच्छा लिसन, गायत्री हॉस्पिटल आ रही है, मैं ओटी में जा रहा हूँ, उसका चेकअप शुरू कर दो, एंड प्लीज टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ हर। यू डोंट वरी सर। ओके, आई विल सी यू। श्योर। Congratulations, ma'am. I'm really very happy for you. And you don't worry, ma'am. Aye, ma'am. Aye. Ma'am. According to your reports, आप पिछले 10 हफ्तों से प्रेग्नेंट हैं। क्या? And it's very normal. कभी-कभी होता है। प्रेग्नेंसी के बारे में थोड़ा देर से पता चलता है। 10 weeks pregnant? यानी मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ? Of course. In fact, आप उसकी हार्टबीट भी सुन सकती हैं। चलिए स्कैन करते हैं। Really? Of course, really, ma'am. चलिए। मैम, रूम नंबर 3 के पेशेंट रेडी हैं, आप चलिए। ओके मैम, आप रिलैक्स करिए, मैं विद इन 2 मिनट्स आई। ओके
बस आपकी थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ गई थी, रिलैक्स। Now everything is fine. क्या? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? बस अभी चेक करते हैं। वेट मैम, डॉक्टर पायल, मेरा बच्चा हिल क्यों नहीं रहा? हाँ, रिलैक्स मैम, रिलैक्स। डॉक्टर पायल कुछ बोलिए प्लीज। थैंक गॉड मैम, इमरजेंसी है, आपको बुलाया है। ओके, मैं आती हूँ अभी, आप रिलैक्स करिए, मैं विद इन 2 मिनट्स आई। हाँ, आइए, आप लोग भी आइए। मैम सर का फोन आया था, वो बस आने ही वाले हैं। स्पार्किंग मैम, मैम जल्दी जल्दी यहां से हम चलिए, पार्क हो रहे हैं। मैम आप यहाँ खड़े क्यों हैं? जल्दी चलिए प्लीज मैम, मूव। आइए मैम, आइए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। हरी हरी, ओह माय गॉड, यहाँ तो आग लग गई, फायर ब्रिगेड को बुलाइए। देखिए आप लोग प्लीज शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मशीन खराब हो गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ। पायल ये सब कैसे हुआ? और गायत्री कहाँ है? वो ठीक तो है ना? सर शी इज फाइन, उनके सारे टेस्ट होने के बाद ही ये सब हुआ, मैंने उनको घर भेज दिया सर। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं देखता हूँ। ओह माय गॉड, सर
जो भी नुकसान होना था वो कमरे के अंदर ही हुआ है, और शुक्र है कि आग कमरे से बाहर नहीं आई सर। लेकिन ये आग लगी कैसे? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, इस इंसिडेंट में फायर अलार्म बजे क्यों नहीं? सर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा वाक्य देखा है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आग लगी कैसे। सिक्योरिटी, यस सर, इस फायरमैन के साथ जाओ और इन्हें हॉस्पिटल के सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिखाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में आग लगी तो लगी कैसे। गो गो सर। स्ट्रेंज, कुछ समझ में नहीं आ रहा आग लगी कैसे। मेरा शक सही निकला, कयामत शुरू हो चुकी है। मेरी प्यारी बेटी, पता है मैंने तो तुम्हारा नाम भी सोच लिया है, नैना। नैना अच्छा है ना? मेम साहब, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं, पर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो नहीं जाएगा, सब ठीक है। रुक्मिणी तुम जाओ। अभी अभी मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स देख के आ रहा हूं। एवरीथिंग इज ऑल राइट। अच्छा, मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं अपनी इस रोज को हर रोज रोज दूंगा। थैंक यू। ताकि हमारे घर में भी रोज जैसा एक बेबी पैदा हो। अब ये बताओ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ। इनफैक्ट जब से मैं चेकअप करा के आई हूँ, I'm feeling much better. Gayatri, I'm really very sorry. मुझे देर हो गई, but I'm very very proud of you. इतने बड़े हादसे के बाद भी तुम सहमी नहीं, and that's like my brave wife. अहे? ये सब क्या है? डॉल, पता है विजय, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमें लड़की होगी। इसलिए जब मैंने इसे रस्ते पर देखा तो मैं इसे ले आई। वो देखो। वाह वाह, बहुत। अरे बाप रे। तो ठीक है, आज से मैं भी प्रे करना शुरू कर दूंगा कि तुम्हारी गोद में तुम जैसी ही प्यारी सी बेटी हो। क्यों ना वोट गायत्री, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। लेकिन मैम, एक डील करनी पड़ेगी। तुम दिन भर डॉल के साथ जितना खेलना चाहो खेलो, पर रात में प्लीज इसे हमारे बीच में मत रखना। सिर्फ तुम और मैं। अब इतनी अच्छी खबर है तो मुझे लगता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। एक काम करते हैं, खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। लेट्स हैव डिनर आउटसाइड, अच्छा लगेगा। मैं चेंज करके आता हूं, तुम भी चेंज कर लो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, और हाँ, लड़के वाले मान भी गए हैं, अच्छा खासा दहेज देने के लिए तैयार हैं। ये देखिए फोटो, है ना सुशील? लग तो बड़ी सुंदर रही है, मुझे पसंद है।
राजेश तू भी देख ले लड़की कैसी लगी तुझे देख मम्मा ये नम्रता क्या हो गया है तुझे क्या हो गया है तुझे देखिए भाई साहब ये केतकी की फोटो है आप पागल तो नहीं हो गए ना माँ ये नम्रता है एक काम कीजिए आप अभी जाइए यहां से मैं कल आपसे बात करूंगा मैं चलता हूं माँ जी नमस्ते माँ जी नमस्ते साहब इतनी रात को कहां जा रही हैं? दिए का इस तरह बार बार ना जलना शुभ संकेत नहीं है हमें लगता है कि पूजा स्वीकार नहीं हो रही है ये जो आत्मा है ना इसकी कोई इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं लगता है कि बार ना जल्दी जल्द स्वीकार नहीं हो रही है पूरी है इस तरह बार बार ना जलना शुभ संकेत नहीं है ये जो आत्मा है ना इसकी कोई इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हमें लगता है कि बार ना जलना जल्द स्वीकार नहीं हो रही है पूरी नहीं पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं और नींद ही नहीं आ रही यह जला कैसे किसने जलाया सुबह तो जला नहीं और अब जल रहे ये दिया बुझ क्यों नहीं रहे कि तुम्हें कब से मेरा दिमाग खराब करके रखा है इसने ना ये दिया रहेगा और ना ये जलने बुझने की टेंशन रहेगी
नहीं हो सकता। माँ ठीक कह रही थी, ये सब मेरा वहम है, इट्स माय ओन डैम गिल्ट, और कुछ नहीं। नहीं, रात को कौन हो सकता है, कौन है? कौन? इतनी रात को कौन हो सकता है? कौन है यहां? तो कोई भी नहीं। कौन है? कौन है वहां पे? कौन है यहां पे? मैं कहता हूं सामने आओ। कौन है यहां? कौन है? कौन है यहां पर? मैं पूछता हूं कि कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? मैं पूछ रहा हूं कि कौन हो? यहां क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ। अभी अभी तो यहीं थी। वो लड़की कहां गई? अभी तो यहीं थी। गायत्री कहाँ है? रुक्मिणी, आपने गायत्री को देखा? जी साहब, कुछ देर पहले मैम साहब नीचे आई थी। साहब, क्या हुआ? इतने हड़बड़ाए हुए क्यों? मैम साहब बाहर। क्या हुआ? जाओ।
गायत्री तुम ये देखो नैना सो रही है, जोर से मत बोलो जाग जाएगी। अरे गायत्री क्यों इस डॉल को जमीन में? कितने चैन से सो रही है ना, माँ की गोद भी नहीं मिली इसे, सिर्फ धरती की गोद मिली। विजय आपने नाश्ता किया? मैंने रुक्मणी से कहा था आपका नाश्ता रेडी करने के लिए, जल्दी कर लीजिए वरना लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। हो गया है गायत्री को? रतन क्या ये? कितनी बार तुमसे मैंने कहा है कि गाड़ी ध्यान से चलाया करो, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। सब मैंने सब नहीं किया, जब मैं कल ड्यूटी से घर गया था तब तो सब ठीक ठाक था। तुम्हारा मतलब है कि बंगले में कोई भूत घुसा है और उसने गाड़ी का यह हाल किया है? शायद कल आप लेट नाइट कहीं बाहर गए थे तब लग गया होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? किसने कहा तुमसे कि मैं रात को बाहर गया था? मैंने देखा था साहब, कल रात को। दरअसल मैंने चश्मा नहीं पहना था इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर आपकी गाड़ी रात को यहाँ से बाहर गई थी। मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी आई होगी तो आप ही बाहर गए होंगे। मैं? पर आप कह रहे हैं कि आप नहीं गए तो फिर कौन गया होगा? गायत्री मैम साहब को तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता, इसलिए मुझे लगा कि आप ही गए हैं। क्या है ये सब? चाकू इस तरह क्यों लेके आई हो? एप्पल खाने का मन कर रहा था इसलिए नाइफ लेने गई थी। आप खाओगे? नहीं। आज सिर्फ एप्पल खाओगी? ब्रेकफास्ट नहीं करना? नहीं, ये जरूरी है ना, वो कहते हैं ना An apple a day keeps the doctor away. क्या करती हो गायत्री? अच्छा प्लीज अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूं। क्या करती हो गायत्री तुम भी? प्लीज अभी हाथ को हिलाना नहीं। कितनी बार तुमसे कहा है गायत्री, रुक्मणी घर पे ही थी, उससे बोल देती। डोंट वरी, ये तो बहुत मामूली सा जख्म, इतना दर्द नहीं हो रहा है मुझे, और जहां दर्द हो रहा है
वहां मैं कोई मलहम लगा नहीं सकती। मुंबई के मशहूर स्टॉक ब्रोकर की संदिग्ध हालत में मौत। टेरेस से कूद के जान दी। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। क्या बात है विजय, न्यूज़पेपर पढ़ के आप बहुत परेशान हो गए, कोई बुरी खबर है क्या? गायत्री, मैं इस आदमी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा क्लाइंट था एंड ही हैड नो रीजन टू सुसाइड। इतनी अच्छी तरह जानते थे आप उन्हें कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो आत्महत्या कर सकता है। आज का ना दिन ही कुछ खराब है। मैंने सोचा है कि आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा गायत्री, पूरा दिन तुम्हारे ही साथ रहूंगा। मुझे लगता है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं काफी थकी हुई हूँ, सारा दिन आराम करूंगी। आई थिंक यू शुड गो, मे बी हम शाम में कहीं जा सकते। प्लीज अपना ध्यान रखना, ओके? डोंट वरी, हर बात का ख्याल है मुझे। ओके। डॉक्टर तरुण, उस दिन स्कैनिंग रूम के इंसिडेंट के बाद गायत्री बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही। ट्रस्ट मी, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी पत्नी गायत्री है ही नहीं, कोई और ही है। आप इस शहर के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, इसीलिए मैंने सोचा एक बार आपकी भी राय ले ली जाए। व्हाट डू यू थिंक, गायत्री को अचानक क्या हुआ होगा? सी डॉक्टर पालन, कभी कभार ऐसे होता है, मिस कैरिज के बाद गायत्री को एक तरह का ये सदमा लगा है। आखिर इसका ये होने वाला पहला बच्चा था, और फिर फौरन से प्रेगनेंसी की न्यूज अचानक उसे इतनी खुशी दे दी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। और फिर रूम में फायर ब्रेक की वजह से उसकी वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग फिर से जाग गई है कि कहीं फिर से मिसकैरेज ना हो जाए। तो फिर आप ही बताइए ना, आपके हिसाब से मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि मैं गायत्री को लेकर बहुत परेशान हूँ डॉक्टर तरुण। सर, कभी कभी सदमे की वजह से इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज क्रिएट हो जाती है, लेकिन अक्सर ये मल्टीपल पर्सनैलिटीज टेम्पररी होती है, और ये जैसे जैसे वक्त के साथ हालत नॉर्मल होते हैं ये अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सब कुछ नॉर्मल रहे। मैं कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, आप उन्हें पूरी तरह आराम करने दीजिए बस, और हो सके तो कुछ वक्त उनके साथ बिताइए, शील फील गुड। इनफैक्ट डॉक्टर पालन, आई वुड सजेस्ट आप छोटी हॉलीडे पे क्यों नहीं चले जाते, गायत्री विल फील बेटर। आई थिंक डॉक्टर तरुण, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, गायत्री को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, आई विल टेक इट, या थैंक यू सो मच डॉक्टर तरुण। बाय, माय प्लेजर। सर, मिसेस मल्होत्रा को मिस्टर मल्होत्रा के टाइम के अकॉर्डिंग उनको एडमिट कर लिया गया है। इनफैक्ट मैम का बीपी नॉर्मल है, बच्चे के हार्ट रेट भी एकदम नॉर्मल है। सर, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? पहले एक बात बताओ जी, उस दिन जब गायत्री टेस्ट करवाने के लिए आई थी, अब स्कैनिंग रूम में कुछ अनयूजुअल हुआ था क्या? सर, मैंने आपको बताया था ना, मैम के अचानक से हार्ट रेट बढ़ गई थी। मैम, पर थोड़ी देर में अपने आप नॉर्मल भी हो गई थी। उसके अलावा? उसके अलावा तो सर, बच्चे की हार्ट रेट अचानक से बंद हो गई थी। मेरा बच्चा हिल क्यों नहीं रहा? पर थोड़ी देर में अचानक बच्चे की हार्ट रेट अपने आप ही शुरू हो गई। उसके अलावा? उसके बाद, हाँ सर, उसके बाद मैम बहुत डरी हुई थी, रूम में चारों तरफ धुआं भरा हुआ था और मैम उसके बीच में खड़ी थी। मैं उनको बुला रही थी पर फिर भी वो नहीं आ रही थी, लिटरली मुझे उनको खींच के बाहर लेके जाना पड़ा। Really? Yes, sir. That's very strange. सर, आपको याद है ये हादसा होने से पहले मिस्टर कौशल वहां पे आए थे, और
उन्होंने कहा था कि इस रूम में जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। एक ऐसा हादसा जो इस कमरे की दीवार में रहस्य बनकर छुपा हुआ है। डॉक्टर पालन, इस कमरे में जो कुछ भी हुआ है उसे मैं महसूस कर सकता हूं। कम ऑन पायल, तुम भी क्या सोच रही? यू कैन गो नाउ। ओके सर। डॉक्टर, यहां कोई मौत हुई है? आई मीन कोई अनहोनी घटना? आइए डॉक्टर पालन। आपको कैसे पता चला कि मैं हूं? वो छोड़िए, यह जानना ज्यादा जरूरी है कि आप यहां आए किस लिए हैं। कहिए मिस्टर पालन, क्या जानना चाहते हैं आप? देखिए, हमारे स्कैनिंग रूम में आग लगने से पहले बहुत सारे पेशेंट्स की स्कैनिंग हुई है, लेकिन जब मेरी बीवी के टेस्ट चल रहे थे उसके बाद से ही मेरी पत्नी बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। मैं आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या है। मेरी असिस्टेंट ने मुझे बताया कि जब मेरी पत्नी गायत्री वहां टेस्ट के लिए आई तब अजीब सा वाकया हुआ। टेस्ट के दौरान मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट अचानक रुक गई। मेरी बीवी की हार्ट रेट अचानक शूटअप हो गई, फिर अचानक हमारे होने वाले बच्चे की हार्ट रेट वापिस आ गई। एंड दिस इज मेडिकली इम्पॉसिबल। मैं यहां आपसे यह जानने आया हूं कि जो कुछ आपने उस दिन स्कैनिंग रूम में कहा और जो कुछ मेरी पत्नी गायत्री के साथ हो रहा है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है ना? मिलेगा। आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा।